اللهم إني أسألك الجنة. آمين. اللهم إني أسألك a beautiful wife that knows how to cook and clean. آمين. آمين. اللهم إني أسألك BMW 6-liter V12 engine with not one, not two, but stage 3 remap with red leather interior. آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। वीडियो बनाना, तस्वीर बनाना ये हराम है। पहले आप इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फतावा रिजविया शरीफ, फतावा रिजविया शरीफ के जिल्द नंबर 22 है के सफा नंबर 319। वो कौवा जो दाना खाता है, नजासत की तरफ नहीं जाता, जिसे गुराबे जरा यानी खेती का कौवा कहते हैं, छोटा होता है, काले रंग का होता है, चोंच और पंजे गालिबन उसके लाल होते हैं, ये जो कौवा है इसकी जो सिफात इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाए हैं, ये कौवा बिल इत्तेफाक जायज है। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कौवा खाने को हलाल लिखा है। और ये मैं तुम लोगों के लिए कह रहा हूं कि जी इंजीनियर सामने नहीं बैठता, इंजीनियर सामने के तुम्हारे घर वड़ के बैठ गए, इंजीनियर सामने नहीं गल कर रहे हो, वो तुम्हारे बच्चों ने मोबाइल ही से इंजीनियर हो तको। हाँ जी ससुर अगर यही बात है कि सहाबा तो सहाबा हैं, उनको बख्शने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप क्या समझते हैं? नौज़ बिल्लाह वो गुनाहगार है? नहीं, हम तो नहीं समझते। तो फिर हर महीने ग्यारहवीं क्यों बख्शवा रहे हो? बिरयानी खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए। हाँ ये हुई ना बात, जज़ाकअल्लाह, अब मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। जी I missed him so much. किसी इलाज से बुखार नहीं जा रहा था और बुखार जो होता है वो बंदे को निचोड़ देता है। यार यार ये तो बात तो सही है। मैं बहुत ही ज्यादा गमजदा परेशान था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हजरत शेख ने खुद मुझे बुला लिया, गौस पाक ने। आजा आजा। फरमाया जाओ बच्चे के कान में कहो ए उम्मे मलदम, ये बुखार का नाम है। ये कैसी डायन का नाम? तुम्हें शेख अब्दुल कादिर हुक्म देते हैं कि इस बच्चे को छोड़कर चली जाओ। और दास है तुम और हुल्ला की तरफ भाग जाओ, हिल्ला या हुल्ला। मेरा नाम है बुल्ला। सैयदना गौसे आजम पैदा होकर वली नहीं बने, पैदा ही वली हुए हैं। आपने पैदा होते ही रोजे रखे। उससे लंबी छोड़ता असी लपेटते जावांगे तुहाडी। कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं तहफ्फुज़े औलिया कॉन्फ्रेंस। जब ये मजारों के ऊपर बम फटे ना तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई तहफ्फुज़े औलिया कॉन्फ्रेंस। वाह, कल तक तो औलिया तुम्हारी मदद करते थे, अब औलिया का तहफ्फुज़ तुम्हें करना पड़ रहा है। फिर हमारे जदे अमजद इब्राहिम ने सही किया था ना, सारे बुत तोड़ के तो बड़े के ऊपर कुल्हाड़ा रख दिया था, तो तुम्हारे साथ भी वैसे ऐसा ही होना चाहिए। कोई ये तहफ्फुज़ नहीं, कोई कुछ कर सकता। ये सारे झूठे अकीदे थे, एक एक करके इनके एक्सपोज होते जा रहे। मैंने यह दावा किया कि सारे दरबारों से आप चंदे खत्म करें। जी जी जी, एक महीना नहीं गुजरेगा कुत्ते फिरते हुए नजर आएंगे आपको यहां पे। कोई वॉलंटियर नहीं जाता भाई, यहां तो लोग मस्जिद की बात नहीं करते। तबलीगी जमात सिंध के कई इलाकों में गई है, मस्जिदों के अंदर कुत्तियों ने बच्चे दिए हुए, जाके इन बेचारों ने सफाई की है वहां, क्योंकि मस्जिदों में कोई जाता नहीं, केयर नहीं होती है। जब मस्जिद का ही हाल है तो दरबारों को किसने पूछना है? हमारे एक स्टूडेंट ने तो वीडियो दिखा भी दी है, कुत्ते फिर रहे हैं, फिर उन्होंने जनाब दरबार की सफाई कराई और बाबे की भी सुनी गई है। देखें हम इनके मुश्किल कुशा हैं, मरे हुए बाबों के दरबारों की सफाई हमारी वजह से होती है, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स मुश्किल कुशा हैं जिन्होंने वीडियो बना के एक्सपोज किया है कि यार सामो बाबे नू। मुश्किल कुशाई फिर यही है ना इन्होंने जो बनाई हुई है।
ये नहीं कहा, मैं जोक के तौर पे कह रहा हूं। अब देखें मेरी लाइफ को जो थ्रेट्स हैं उसको अगर आप देखें तो मेरी आजादी तो खत्म हो चुकी है। मैं तो वो बंदा हूं जो मैं असर से मगरब जो है वो किसी रेडी पे खड़े होके गोलगप्पे खाने वाला, हाँ जी, चाट खाने वाला बंदा, ठीक है जी, पैदल वॉक करने का मुझे बड़ा शौक होता था, वो सब कुछ ही खत्म हो गया। हाँ, वो शौक तो बढ़ गया। उधूरी चाहते मेरी, उधूरी रास्ता मेरी, मेरे जज्बे उधूरे हैं, मेरी ख्वाहिश के पैमाने उधूरे हैं, मोहब्बत के मेरे होंठों पे अफसाने उधूरे हैं, उधूरे पन की एक दुनिया मेरे चारों तरफ है, फिर भी अपने दिल की सब गहराइयों के साथ, सब सच्चाइयों के साथ मैं इकरार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।